मायापुरी कहा जाता है, माया नगरी कहा जाता है। यहाँ पर महामाया माँ भगवती महालक्ष्मी मुंबा मैया विराजमान हैं। ये अर्थ की तो नगरी है, लेकिन हम सोचते हैं अर्थ के साथ में अध्यात्म की नगरी भी बने। कभी कभी अति संपत्ति विपत्ति का कारण बन जाती है और बिना संपत्ति के काम भी नहीं बनता है। हम चाहते हैं कि जीवन में संपत्ति भी हो, धन भी हो, वैभव भी हो, ऐश्वर्य भी हो, लेकिन मन में शांति भी हो। तो अशांतस्य कुतः सुखम्, सुख का सुख ही तब मिलता है जब हमारे जीवन में शांति होती है। इसलिए इस मायापुरी मुंबई में हमारा चातुर्मास व्यतीत हुआ। अब चातुर्मास के बाद में यहाँ पर 125 करोड़ माँ भगवती के बीज मंत्रों की आहुतियाँ दी जाएंगी। बीज मंत्र भगवती का साक्षात रूप माने जाते हैं और बीज मंत्रों का इतना महत्व है कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप की क्या इच्छा है, ऐसी कौन सी इच्छा है, कौन सी कामना है, ऐसा कौन सा संकट है जिसको भगवती दूर ना करें, और ऐसी कौन सी कामना है जिसको जीव में प्राप्त ना कर सके, लोग प्राप्त ना कर सके। तो जो बीज मंत्र है वो भगवती का जो विराट रूप में जितनी शक्ति और सामर्थ्य होता है उसी तरह से शक्ति और सामर्थ्य बीज मंत्र में होता है। तो 125 करोड़ बीज मंत्रों का बांगुर नगर मुंबई गोरेगांव में 13, 14 और 15 दिसंबर को और 108 कुंड का ये विशालतम आयोजन होगा, जिसमें भोगश्च मोक्षस्थ करस्थे हो, भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली भगवती की अर्चना की जाएगी। साथ ही साथ में मुंबई की इस पुण्यधरा में जब हम आए तो यहाँ पर वातावरण राजनीति से सराबोर था। यद्यपि हम लोग पर पार्टी निरपेक्ष भाव रखते हैं, लेकिन हम भी एक सनातन धर्म के धर्माचार्य होने के नाते हमारी भी अपनी कुछ जिम्मेवारी हैं सनातन धर्म के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति और संपूर्ण समाज के प्रति। हमारे यहाँ पर इस भगवे रंग को बड़ी श्रद्धा से देखा जाता है, भाव से देखा जाता है। यह रंग समाज के लिए अपना त्याग करता है, और जब कोई एक व्यक्ति जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं खड़गे जी, वो इस भगवे के लिए टिप्पणी करते हैं, और भगवे के लिए टिप्पणी कोई कांग्रेस की ओर से पहली बार नहीं की गई है, अनेकानेक बार जो त्याग संयम आध्यात्मिक चेतना का स्वरूप जो भगवा रंग रहा है उसको अपमानित करने का काम किया है। खड़गे जी ने भी वही किया, उन्होंने कहा भगवे रंग पर टिप्पणी की कि भगवे रंग को उतार करके और राजनीति करें। मुझे समझ में नहीं आता कि राजनीति अपनी जगह में है, राजनीति के लिए बहुत सारे विषय हैं, क्या एक भगवा रंग का ही विरोध किया जाएगा, क्या सनातन का ही विरोध किया जाएगा, क्या भारतीय हमारी सनातन आध्यात्मिक चेतना जो विश्व का कल्याण हो कहती है, हम ही हैं जो विश्व का कल्याण की कामना करते हैं, हम ही हैं, हमारे वेद शास्त्र हैं जो कहते हैं उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, कि सारा विश्व वसुधा हमारा परिवार है और सबके कल्याण की कामना, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया की भावना हमारे द्वारा ही प्रकट की जाती है। जब इतनी उदात्त चेतना हम समाज के लिए समर्पित करते हैं तो फिर इस त्याग संयम के इस भगवे पर क्यों आपत्ति लोगों को रहती है, हमारे लिए बड़ा ये चिंतन का विषय है। जहाँ एक तरफ एक वर्ग विशेष है
पूरे विश्व के अंदर में देख लीजिए, एक वो संस्कृति है जो आतंकवाद का सृजन कर रही है, आतंकवाद को जन्म दे रही है, एक संस्कृति वो है जो आतंकवाद का पोषण कर रही है। उनके बीच में हम पुराने पुरातन काल से देख लीजिए, चाहे वो आतंकवाद का सृजन करने वाली इस्लामिक सत्ता हो, चाहे क्रिश्चियनिटी जो आतंकवाद का पोषण करने वाली हो, हमने दोनों को गले से लगाया, लेकिन परिणाम हमें क्या मिला? हमारे गले काटे गए, तलवार के बल पे धर्म का परिवर्तन करवाया गया। और इन सब छद्म बातों के साथ साथ में हमारे सनातन धर्म को चोट पहुंचाई गई, हमारी आस्था को चोट पहुंचाई गई, हमारे मठ मंदिर देवालय उनको सबको तिरोहित किया गया। और एक बड़ी घटना वर्तमान में देखने को मिली, जहां पर तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है, उस तिरुपति बालाजी के मंदिर में गोमांस यदि धोखा से भी किसी के जीवा में चला जाए तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, बाकी सबका प्रायश्चित है, लेकिन गोमांस यदि कोई ग्रहण कर ले तो इतना महाबड़ा महापाप हो जाता है, इतना बड़ा महापातक स्वरूप हो जाता है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। और तिरुपति बालाजी जैसे धर्मालय में, मंदिर में, विश्व का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित आस्था का केंद्र, सनातन धर्म की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है, वहाँ पर गोमांस, गोचर्बी, मछली का तेल मिला करके और प्रसाद के रूप में और वहाँ पर बालाजी को चढ़ा करके लोगों को बांटा गया। आप समझ जाइए, वहाँ पर जगनमोहन रेड्डी का शासन था उस समय। जगनमोहन रेड्डी ने खुल करके ईसाइयत का प्रचार और प्रसार किया, पूरा संसाधन अपने लगाए, और जो लोग ईसाई नहीं बन पाए उनको धर्म से कैसे भ्रष्ट किया जाए, इसके लिए उन्होंने गोमांस, गोचर्बी मिला करके और सनातन धर्मियों की आस्था पर, आस्था ही नहीं, ध्यान रखिएगा, धर्म पर चोट पहुंचाई है। हमारा धन चला जाए दोबारा आ जाएगा, हमारा पद चला जाए दोबारा आ जाएगा, लेकिन विचार किया जाए यदि एक बार धर्म चला जाए तो फिर वह दोबारा नहीं आ सकता। आपने हमारे धर्म पर चोट पहुंचाई है, और इसमें सभी राजनीतिक दल के लोग, चाहे जो हिंदुत्ववादी संगठन है, चाहे वो आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद के लोग हों, वो लोग शांत क्यों बैठे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग शांत क्यों बैठे हैं? छोटे छोटे मुद्दों पर तो आवाज उठती है, लेकिन इतना बड़ा धर्म को भ्रष्ट करने वाला, जहां पर रामलला की प्रतिष्ठा का हम उत्सव मना रहे थे, उसी मंदिर में ले जाकर के 125,000 वहां पर लड्डू चढ़ाए गए, अब 125,000 लड्डू लोगों को वहां बांटे गए होंगे। अब विचार करिए कि वो 125,000 लड्डू 125,000 लोगों ने ही नहीं, तिनका तिनका करके कितने लोगों ने खाया होगा, कितने लोगों का तो आपने धर्म से भ्रष्ट कर दिया। हमारे यहाँ आहार शुद्ध सत्य शुद्ध सत्य शुद्ध दुर्वा स्मृति की भावना रखी जाती है, आहार शुद्धि पर ध्यान रखा जाता है, लेकिन कितना बड़ा कुठाराघात किया गया हमारे सनातन धर्म के साथ, और सनातन धर्म से संदर्भित जितने भी लोग हैं वो शांत क्यों बैठे हुए हैं? विचार किया जाए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार, और वहाँ पर तिरुपति जय बालाजी का मंदिर में एक ईसाई व्यक्ति को वहाँ का चेयरपर्सन बना दिया जाता है जगनमोहन रेड्डी की तरफ से। कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता? इसलिए नहीं उठाता क्योंकि उस समय राज्यसभा के लिए और तमाम तरह के कई सारे विषय थे जिन पर लोगों को समर्थन की आवश्यकता थी सरकार को, तो थोड़े से समर्थन के लिए हमारे सनातन धर्म के देवालय हैं उनको भ्रष्ट किया गया, हमारे धर्म के मानने वाले लोगों को भ्रष्ट किया गया, धर्म से विरत किया गया। अब हमारा यह संकल्प है कि जितने भी हमारे देवालय हैं, जितने भी धर्म स्थान हैं, सबको मुक्त किया जाए, राष्ट्रीय
और सरकारी व्यवस्था से, क्योंकि धर्म का संचालन धर्म की सत्ता के द्वारा होना चाहिए, ना कि सरकारी सत्ता और राज सत्ताओं के द्वारा होना चाहिए। राज सत्ता और धर्म सत्ता धर्म को न समझती हैं, न उसकी मर्यादा और गंभीरता को समझती हैं। इसलिए आवश्यकता है कि धर्म की रक्षा करनी है तो हमें वैदिक सनातन बोर्ड की स्थापना हमें करनी पड़ेगी, और उसकी मांग एक धर्माचार्य होने के नाते हम करते हैं कि भारत की सरकार एक वैदिक सनातन बोर्ड की स्थापना करे, और उस बोर्ड में सिर्फ धर्माचार्य ही हों, कोई राजनीतिक दल के व्यक्ति ना हों, कोई ऐसे संगठनों के व्यक्ति ना हों, सिर्फ और सिर्फ संत महापुरुष ही रहेंगे, और प्रामाणिक रूप से जो संत हैं महात्मा हैं वो लोग उसके सदस्य रहें, और सारा नियंत्रण जितने भी धर्म स्थल हैं उनका सबका नियंत्रण यदि होना चाहिए तो उस वैदिक सनातन बोर्ड के पास में होना चाहिए। महाराज जी, महाराष्ट्र में जैसे मुंबई की धरती पर आप हैं, अभी भी इलेक्शंस हुए, वहाँ पटोगे कटोगे इस तरह की जो राजनीति है, इस तरह की राजनीति हुई, धर्म को लेकर राजनीति हुई, और ये अमूमन हो भी रहा है ज्यादातर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, और साथ ही साथ वोट जिहाद का भी एक जो परंपरा शुरू हुई उस पर कहेंगे? हम समझते हैं कि जिहाद जैसा शब्द हिंदुस्तान की सनातन धरती पर यदि नाम लिया जा रहा है तो ये बहुत एक दुर्दांत विषय है, विभत्स विषय है, इससे बड़ा जाहिल विषय और कोई हो नहीं सकता। कि जहाँ पर हम वैदिक सनातन परंपरा को मानते हैं और देश का विभाजन यदि हुआ तो धर्म के आधार पर हुआ, धर्म के आधार पर हुआ, हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए और पाकिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम पक्ष के लिए बनाया गया। अब विचार किया जाए, जो लोग यहाँ पर बराबर का अधिकार मांग रहे हैं वो किस मुंह से बोल रहे हैं, किस बिना पे मांग रहे हैं? हमारे हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो विभाजन हुआ था देश का तो वो धर्म के आधार पर हुआ था, तो हिंदुस्तान की तकदीर का निर्णय कौन करेगा? यहाँ के मूल निवासी करेंगे, जिनके लिए हिंदुस्तान बना वो लोग करेंगे। वोट देने का अधिकार सिर्फ सनातन धर्मियों को होना चाहिए, हिंदू धर्मावलंबियों को होना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं ताकि ये वोट जैसे जिहाद जैसा विषय हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, लव जिहाद जैसा विषय समाप्त हो जाए। हम भी यह भी चाहते हैं, नहीं तो हमारी बेटी किसी फ्रिज में पाई जाए, किसी बैग में पाई जाए, हम ये नहीं कभी कदापि नहीं चाहेंगे। हम चाहते हैं मुस्लिम संप्रदाय के बेटे बेटी उस संप्रदाय में विवाह करें, हिंदू संप्रदाय के बेटे बेटी हिंदू संप्रदाय में विवाह करें, अपने माता पिता के और विचारों से वो करें, चाहे वो संप्रदाय के लोग हों चाहे इस संप्रदाय के लोग हों, दोनों की सुरक्षा संरक्षा, इसमें संस्कृति की, विचारों की, धार्मिकता की, इसमें सभी तरह की सुरक्षा दोनों संप्रदायों की है। और दूसरी तरफ आपने कहा बटोगे तो कटोगे, जब हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो आप भाईचारा की बात करते हो, और भाईचारा कैसे निभाया जाए? एक तरफ गो माता जो हमारी पूज्या है, हम जिसे माँ कहते हैं, वो तुम्हारे लिए हलाल है, वो तुम्हारे लिए हर तरह से स्वीकार है, तुम्हें ये ख्याल नहीं रहता कि उससे हमारी आस्था जुड़ी हुई है, श्रद्धा जुड़ी हुई है। वो गो माता को हम गावो विश्वस्य मातरम, वो गाय को हम विश्व की माता कहते हैं, यद्यपि सिंधे जैसे जो वोट के लिए स्वार्थी लोग हैं वो लोग गो माता को राज्य माता का दर्जा देते हैं। गो माता को राज्य माता का दर्जा देना गो माता का अपमान है। जो गो माता विश्व की माता है, सम्मानित व्यक्ति का बराबर से सम्मान न करना भी उसका निरादर और अपमान माना जाता है। आपने गो माता का अपमान किया है गो माता को राज्य माता का दर्जा दे करके। गो माता विश्व की माता है, वहां पर निर्णय यह होना चाहिए था कि वहां पर आपने अवमुक्त शरण जैसे और सदानंद जैसे जिन्होंने अपने गुरु को मौत के घाट तक पहुंचाया, ऐसे
अप्रमाणिक शंकराचार्य के नाम पर ख्यापित लोगों को मंच पर बैठा करके गौ माता को राज्य माता का दर्जा देकर गौ माता का अपमान किया। गौ माता विश्व माता है और राष्ट्र माता हमारी भारत माता है। वहां पर घोषणा ये होनी चाहिए थी कि हम इतने गौशालाओं का निर्माण करेंगे जहां गौ माता की रक्षा होगी। वहां घोषणा ये इस बात की होनी चाहिए थी कि जितने भी यहां पर गौ उचड़खाने हैं, गौ माता की हत्या के केंद्र हैं, उनको हमको सबको समाप्त कर देंगे। वहां ये घोषणा होनी चाहिए थी। घोषणा वहां ये होनी चाहिए थी कि हम गौ माता के संवर्धन के लिए जो गौशालाएं बनाएंगे उनको हम भूमि भी आवंटित करेंगे, हम धन भी आवंटित करेंगे। इस तरह से घोषणा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी घोषणा नहीं हुई। वहां पर सिर्फ शिंदे ने अपनी राजनीति की और हम चाहते हैं, हमने स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया है, गौ माता की प्रतिष्ठा नकली फर्जी शंकराचार्यों के द्वारा गोध्वज के स्थापना से नहीं होने वाली है, गौ माता की रक्षा फर्जी यात्राएं करने से नहीं होने वाली है, गौ माता की प्रतिष्ठा और गौ माता की रक्षा यदि होने वाली है तो हमने निर्णय लिया है कि 1008 गौशालाओं का निर्माण हम पूरी भारत की भूमि पर करेंगे। साथ में अभी हमने 3 गौशालाओं का यहाँ पर हमारे पास में भूमि भी लोगों ने दे दी है, उसका जल्दी ही हम कार्य शुभारंभ करेंगे। जी कुछ भी अलग अलग फोटो में दिख रहे हैं काफी ज्यादा, वो शायद वोट के लिए है या वोट बांटने के लिए किसी चीज के लिए। उस आप समझिए कि बाबा कभी फर्जी होता ही नहीं, समझ गए ना। जिनको आप बाबा के फर्जी बाबा कह रहे हैं, वस्तुतः वो लोग बाबा ही नहीं है, संत ही नहीं है। संत के रूप में वो एक गोरख धंधा करने के लिए इस तरह के लोग समाज में आ जाते हैं, वो बड़े अल्पकालिक होते हैं, छोटे छोटे मोटे स्वार्थों की सिद्धि के लिए वो ऐसा कार्य करते हैं। उनके तरफ हमें ध्यान नहीं देना है, हमें तो उनके तरफ ध्यान देना है जो सनातन धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए, समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, और मैं तो समाज क्या विश्व के संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए जो कार्य कर रहे हैं, सबके अभ्युदय के लिए बात कर रहे हैं, हमें उनकी चर्चा करनी चाहिए। गुरु जी बात करें, एक समुदाय जो है खुलकर विपक्ष को अपील करता है, अपने लोगों के वोटर को अपील करता है कि कांग्रेस को वोट दे या शिवसेना उद्धव को वोट दे, लेकिन हिंदू तो एक नहीं हो रहा, हिंदुत्व को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। उसी का परिणाम तो कहा गया कि बटोगे तो कटोगे। बात आप समझिए उस चीज को, ये वोट जिहाद जो है वो हमने इसीलिए कहा कि वोट देने का अधिकार ही समाप्त कर देना चाहिए। भाई हमारे घर का निर्णय हम करेंगे या हमारे घर का आने वाला मेहमान करेगा? हम तो कुत्तों को भी रोटी डालते हैं। 1947 के बाद में यदि इस हिंदुस्तान में आप हैं तो आप हमारे लिए सिर्फ कुत्तों के समान हैं, आप पड़े रहिए, आपको 2 रोटी डालेंगे। हाँ, भारत की सरकार को चाहिए एक निर्णय करे, और वो निर्णय ये होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू भाई हैं, बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनको हिंदुस्तान लाया जाए, और जो यहाँ पर तमाम लोग हैं इनको उनको जहाँ चाहते हैं, जिनके अनुसार उनके धर्म के अनुसार जहाँ पर कानून बने हुए हैं वहाँ पर उनको उनको निवास मिलाए, वहाँ वो जाएं। आप समझिए कि ये हिंदुस्तान है, हम चाहते हैं कि ये वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र बने, जहां पर राम राज्य की संकल्पना हो। सिर्फ हिंदू राष्ट्र नहीं, हम राम राज्य भी चाहते हैं, जहां दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हो नहीं व्यापा, हम ये चाहते हैं। और इसका निर्णय करने के लिए जो कांग्रेस और तमाम तरह के संगठन काम कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, हमको जातियों में वर्गों में बांटने की चेष्टा कर रहे हैं, हम उसका कभी भी समर्थन नहीं करते और कठोर निंदा करते हैं कि जो हमको बांटने की चेष्टा कर रहा है उसे देश में सरकार नहीं, उस किसी राजनीति करने का किस तरह का कोई अधिकार नहीं है। माला जी, लॉरेंस बिश्नोई का केस काफी ज्यादा सुर्खियों में था, हिरन केस को लेकर, सलमान खान के जो हिरन केस को लेकर, इस पूरे केस घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं और इसे कहीं ना कहीं किसी का सही लगता है? ये बहुत ज्यादा, देखिए बात समझने की ये है, हम हिंदू धर्म के धर्माचार्य होने के नाते
हमारे यहाँ ये परंपरा व्यवस्था है हिंसा दूयते अस्य स हिंदू, जो हिंसा से दूर रहे वो हिंसा वही हिंदू है। आप समझिए, एक चींटी को मारने को भी हम पाप और अपराध मानते हैं। आपने एक जीव की हत्या कर दी और निर्मम हत्या कर दी। एक समुदाय विशेष है, एक जाति विशेष है, एक वर्ग विशेष है जिसकी आस्था उस पशु से लगी हुई है, हरिण से जुड़ी हुई है। आपने उनकी आस्था को चोट पहुंचाया और हिंसा भी की। और जब कानून काम नहीं करता है, न्यायालय अपना जिम्मेदारी नहीं निभा पाती है, आंखों में पट्टी बांध करके और अपने पैसा पद प्रतिष्ठा और राजनीतिक वैभव को दिखा करके और वहां से आप मुक्त हो जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में आप समझिए कि फिर लॉरेंस विश्नोई जैसे लोग पैदा हो करके फिर वो जिम्मेदारी को निभाते हैं। और हम तो ये भी चाहते हैं कि सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अब हमें आवश्यकता है कि हम 1000 लॉरेंस विश्नोई पैदा करें और वो 1000 लॉरेंस विश्नोई हम ये व्यवस्था हम स्वयं संभाल लेंगे कि 1000 लॉरेंस विश्नोई हम इस समाज के अंदर में पैदा करेंगे और जो पूरे राष्ट्र की रक्षा के लिए काम आएंगे, जो समाज की रक्षा के लिए काम आएंगे, सनातन धर्म के लिए जो आवाज उठाएगा, सनातन धर्म के लिए जो निरादर करेगा, जो हमारे शिवलिंग पर आवाज उठाते हैं वो लोग आवाज उठाते हैं जो एक जाहिल आदमी जिसने अपनी बेटी के साथ में कुकर्म किया, जो जाता है तो 72 हूरों के पास में जाकर के नीले घोड़े में बैठ करके जिसका नूपुर शर्मा ने आवाज उठाई तो उसको सर तन से जुदा की बात उठाने लगे। ऐसे जाहिल आदमी की ये संतानें, सुअर को भी हम शुद्ध पवित्र मानते हैं, सुअर से भी गंदी ये कौम जो बटोगे तो कटोगे, ये इस स्थिति पर हमको लाने वाली स्थिति को पैदा करने वाली ये कौम, अब आवश्यकता है ऐसी कौम के लिए हमको 1000 लॉरेंस विश्नोई जैसे संगठन पैदा करने पड़ेंगे, जो 1000 प्रकार के संगठन चलेंगे और जो हमारे सनातन धर्म की भी रक्षा करेंगे, जो हमारे सनातन धर्म के साथ साथ में हमारे राष्ट्र की भी रक्षा करेंगे। जो इस तरह का प्रश्न उठाएंगे सनातन धर्म के मजाक बनाने वाले, सनातन धर्म पर उल्टी सीधी फिल्में बनाने वाले, पीकी जैसी फिल्म बनाने वाले लोगों को नकेल कसने का काम ये लॉरेंस विश्नोई जैसे संगठन करेंगे। हमारे जो सिलेबस है, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं बच्चे, उनमें ज्यादातर ऐसे विषय होते हैं जिनकी शायद आज जो देश के बच्चों को जरूरत भी नहीं है, वो सब जो चीजें आज का। अरे आपने बड़ी अच्छी बात कही, ये हिंदुस्तान, ये वैदिक सनातन धर्म जहाँ से उत्पन्न होकर के सारे विश्व को एक संदेश देने वाला, आज वही वेदों के देश में हम वेदों की शास्त्रों की शिक्षा नहीं दे सकते, अपने ही देश में नहीं दे सकते, हम शास्त्रों की शिक्षा नहीं दे सकते, हम वेदों शास्त्रों की शिक्षा नहीं दे सकते, हम धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? संविधान में धारा 30 है, उस आर्टिकल 30 के तहत ऐसा प्रावधान है कि इस्लामिक लोग अपनी शिक्षा दे सकते हैं, क्रिश्चियन अपनी शिक्षा दे सकते हैं, बौद्धिस्ट अपनी शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन नहीं दे सकते तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, जो हिंदू धर्म इस मिट्टी का से पैदा हुआ धर्म है, इस मिट्टी का ही मूल धर्म है, उसको उसकी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। हम तो इसीलिए भी नाराज हैं सिंधे से कि उन्होंने एक तो गौ माता का अपमान किया, नकली फर्जी शंकराचार्यों को बुलाया और साथ साथ में उन्होंने एक अपराध और किया। वो काम क्या किया? वो काम उन्होंने ये किया कि मौलानाओं का उन्होंने जो मदरसे आतंकवाद का केंद्र बने हुए हैं पैदा करने वाले, उनके लिए उन्होंने 4000-5000 उनकी तनख्वाह थी, उसको पता नहीं कितने गुना, 10 गुना 20 गुना कितना बढ़ा दिया है। हम पैसा देते हैं, यहाँ के जो लोग पैसा यहाँ वहाँ से इकट्ठा करके अपनी मेहनत मजदूरी करके इकट्ठा करते हैं, व्यापार करके इकट्ठा करते हैं, टैक्स देते हैं, वो टैक्स का पैसा हम आतंकवाद को निर्माण करने वाले लोगों को दे दें? ये सरकार का निर्णय गलत है।
अब जो सरकार चुन करके आएगी, हमारा संघर्ष रहेगा कि इस तरह के निर्णय वापस लिए जाएं।